फ्रेंड्स वेलकम टू बी एल इंग्लिश क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ फाइंड, फाइंड्स एंड फाउंड। देखिए फ्रेंड्स, फाइंड, फाइंड्स एंड फाउंड का प्रयोग हम इस तरह के सेंस में करते हैं जैसे कि मैंने उसे किसी कार्य को करते हुए देखा या पाया, यानी मैंने किसी व्यक्ति को पढ़ते हुए पाया, लिखते हुए पाया, उद्यम करते हुए पाया, चोरी करते हुए पाया या देखा। तो पाया या देखा के सेंस में हम फाइंड्स का प्रयोग करते हैं और उसमें वर्ब में लास्ट में आईएनजी जोड़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर है, हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इन सेंटेंसों को बनाएंगे। हमारी डेली लाइफ में कुछ इस तरह के सेंटेंस आते हैं जैसे मैंने उसने चोरी करते हुए मैंने उसे चोरी करते हुए देखा, उसने मुझे खाना खाते हुए पाया, हमें तुमने उसे मारते हुए देखा, मैंने उन्हें पढ़ाते हुए देखा, हमने उसे पढ़ते हुए देखा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह की सेंटेंस जो होते हैं उनको हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फाइंड, फाइंड्स फाउंड, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट में होगा, इसका प्रयोग पी आर जैसे प्रेजेंट, यानी कि बहुवचन और एक वचन। और जो फाउंड है वो पास्ट में होता है स्टूडेंट, पास्ट में। उसके बाद इसमें जो कुछ भी करते हुए देखा उसमें वर्ब में आईएनजी लगेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैंने उसे चोरी करते हुए देखा, कैसे बनाएंगे इसको? देखिए, आई फाउंड मैंने उसे देखा, किस तरह से देखा मैंने उसे, आई फाउंड हिम। देखिए सब्जेक्ट फाइंड, ऑब्जेक्ट हो गया हिम, वर्ब में आई एन जी चोरी करते हुए, एस टी ई एल स्टीलिंग चोरी करते हुए। अब स्टूडेंट्स, उसे मुझे खाना खाते हुए पाया, उसने मुझे ही फाउंड पाया, मीमा ने मुझे खाना खाते हुए, किसी काम को करते हुए पाया, तो उसमें वर्ब में आईएनजी लगाएंगे ईटिंग फूड। हमने तुम्हें उसे मारते हुए देखा, तो बीमा ने हमने फाउंड यू तुम्हें देखा उसे मारते हुए किलिंग हिम, हमने तुम्हें पाया या देखा किलिंग हिम उसे मारते हुए, जान से मारने के लिए किल लगाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने उन्हें पढ़ाते हुए देखा, आई फाउंड यू टीचिंग। अब देखिए उन्हें देखा, तो उन्हें के लिए हम देम लगाएंगे स्टूडेंट्स, हमने उसे पढ़ते हुए देखा, बी माने हमने फाउंड देखा या पाया उसे, हिम किसी कार्य करते हुए, उसमें आई एन जी लगाएंगे रीडिंग, एस्टर्निंग लिख लो एस टी यू डी बी फाउंड हिम स्टडिंग। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं और अपनी अंग्रेजी की बोलचाल में इनका प्रयोग कर सकते हैं और इनको बोल करके अपनी अंग्रेजी को अच्छी बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।